नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज जगत की बड़ी खबरों पर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से मेक इन इंडिया के तहत भारत में पहले प्रोजेक्ट की रखी जाएगी नींव। चीन की रोलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन कंपनी प्रोजेक्ट में भारत का दे रही है साथ। 425 करोड़ के प्रोजेक्ट में 51% चीन की है हिस्सेदारी। आईटी स्टार्टअप के मामले में तीसरे पायदान पर पहुंचा भारत। देश के सभी क्षेत्र के कुल स्टार्टअप की संख्या हुई 10,000। 83,000 स्टार्टअप के साथ अमेरिका सबसे आगे। आईटी स्टार्टअप में भारत चीन के लगभग बराबर। ओला कैब ने 10 बड़े शहरों में लॉन्च की 6 सीटों की प्राइम एसयूवी। प्राइम एसयूवी का आधार किराया 80 रुपए से होगा शुरू। ओला की सुविधा से मिलेगा समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ। उपभोक्ताओं के लिए रिलायंस जियो का धमाका ऑफर। अब सैमसंग और एलजी के सभी 4G LTE स्मार्टफोन्स में 3 महीने तक के लिए दिया जाएगा जियो प्रीव्यू ऑफर। रिलायंस जियो अपने सभी उपभोक्ताओं के लिए दे रहा है 3 महीनों के लिए फ्री अनलिमिटेड 4G डेटा। टाटा ने अपनी एयरलाइंस विस्तारा के लिए दीपिका को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। एड का वीडियो सोशल साइट पर किया गया पोस्ट। दीपिका ने टाटा के साथ काम करने के लिए खुद के लिए बताया गर्व की बात। आइए अब नजर डालते हैं शेयर बाजार की हलचल पर। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स लगभग 92 अंक लुढ़ाकर 27,986 के पास बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स 27,918 पर पहुंचा था। वहीं निफ्टी आज 38 अंक गिरकर 8,629 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में निफ्टी 8,614 के स्तर तक पहुंचा। बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों की बात करें तो आज इनमें भी गिरावट देखी गई। बीएससी का मिड कैप 54 अंक और स्मॉल कैप 17 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएससी के 19 में से 2 सेक्टरों तेज खपत उपभोक्ता वस्तु और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु में तेजी देखी गई, जबकि गिरावट वाले सेक्टरों में सूचना, वाहन, स्वास्थ्य सेवाएं और उपभोक्ता गैर अनिवार्य वस्तु व सेवाएं मुख्य रहे। आज जगत की खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।